दर्शकों, इस वक्त हम यूरोकिड के कैंपस में हैं। आपको बताऊं कि आज इसकी ओपनिंग है, तो चलिए आपको एक बार घुमाते हैं कैंपस और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या आपको यहाँ पर कैंपस में मिलेगा बच्चों के लिए। और सबसे पहले आपको तो मैं दिखा दूं कि वॉल्स आप देखेंगे, वॉल्स बहुत अट्रैक्टिव है, अच्छे अच्छे यहाँ पे पिक्चर्स जो हैं बनाई गई हैं, फूड्स बनाए गए हैं वहाँ सामने। अगर वहाँ पर दीवार पर अगर आप नज़र घुमाएंगे, वहाँ पर मिनियंस जो हैं बनाई गए हैं, बच्चों के फेवरेट कार्टून है। तो चलिए सबसे पहले क्लासरूम में आपको लेके चलते हैं। और ये छोटे छोटे से बच्चे यहाँ पर घूम रहे हैं, ये देखिए, ये यहाँ पर फर्स्ट क्लासरूम है। और इस तरफ आप वॉल देखिए, मुझे तो वॉल देख के ही मज़ा आ रहा है, भयंकर अट्रैक्टिव यहाँ पर पेंटिंग्स की गई है। और ये सिटिंग प्लान है यहाँ पे बच्चों के लिए, छोटी छोटी चेयर्स और बेंचेस जो हैं लगाए गए हैं। ये फर्स्ट क्लासरूम है, तो चलिए अब सेकंड क्लासरूम मैं आपको दिखाती हूँ। आ जाइए इस तरफ, यूरोकिड का भाई स्टूडेंट है अभी हमारे साथ। आपका नाम क्या है? अमितोज। क्या नाम है? अमितोज। अमितोज, अच्छा आप कौन सी क्लास में हैं? सीनियर। अच्छा उस क्लास में है भाई, इस क्लास में होते हैं। अच्छा चलो, तो अभी नेक्स्ट क्लासरूम दिखाओगे आप मुझे? यस। चलो तो फिर आ जाइए, अभी नेक्स्ट क्लासरूम आपको दिखाते हैं। अच्छा, क्या क्या आपको अच्छा लगता है इस क्लासरूम में? इधर आ जाओ, इधर इधर खड़े होकर बात करो, क्योंकि बच्चों को पकड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। क्या क्या आपको अच्छा लगता है यहाँ क्लासरूम में? कलर्स। इधर आ जाइए, जैसे मैंने आपको बताया कलर्स और वॉल्स बहुत अट्रैक्टिव हैं। इस तरफ आप देखिए, सिटिंग एरिया बच्चों के लिए बड़ा प्यारा सा एक जगह बनाई हुई है, ऐसे कर्वी सी जगह है, बेंचेस जो हैं बनाए हुए हैं। और ये आ जाइए, नेक्स्ट क्लासरूम है यहाँ पर, ये हम आपको थर्ड क्लासरूम दिखा रहे हैं। और इधर आप देखेंगे सिटिंग के लिए जो यहाँ पे चेयर्स और टेबल्स हैं वो अलग अलग शेप में है, एक ये वाली शेप में, उधर आप देखेंगे राउंड शेप में टेबल हैं, यहाँ पर छोटी छोटी चेयर्स हैं और यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स जो हैं दीवार पर लिखे हुए हैं। और आपको बता दूं दर्शकों कि आजकल जो है, जो ये प्री प्राइमरी जो क्लासेस होती हैं, इसमें बच्चों की क्रिएटिविटी पर बहुत ध्यान दिया जाता है और कलर कॉन्सेप्ट पर बहुत ध्यान दिया जाता है। तो इसलिए आप जितने भी प्री स्कूल देखेंगे, ये तो प्री प्राइमरी जो स्कूल होते हैं, वहाँ पर आपको कलर्स जो हैं और जो डिज़ाइन हैं और वॉल्स पर जो पेंटिंग्स हैं बहुत अच्छी अच्छी दिखेंगी। आप यहाँ पर देख लीजिए, अभी बात करते करते यहाँ पर कितने सारे छोटे क्यूट क्यूट से जो एनिमल्स जो हैं वो ड्रॉ किए हुए हैं। ये इस तरफ देखिए आप, पेड़ हैं। और तो ये एक छोटा सा कैंपस टूर था यूरोकिड स्कूल का आप लोगों के लिए। और आपको बताऊं कि यहाँ पर हमने आपको चार क्लासरूम्स दिखाए हैं। यहाँ पर टॉडलर नर्सरी PP1 PP2 यानी प्री प्राइमरी 1 और प्री प्राइमरी 2 जो क्लासेस हैं यहाँ पर लगेंगी, जिनको हम LKG और UKG भी बोलते थे। हर एक स्कूल का अपने हिसाब से कैंप जो है नाम दिए गए हैं अभी इन क्लासेस को। और ये यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये इस तरफ रिसेप्शन है और इस तरफ की बात करूँ तो यहाँ पर वॉशरूम्स हैं बच्चों के लिए बनाए हुए हैं। अभी हमारे साथ यंग IPS अमित यादव जी हैं और यूरोकिड की ओपनिंग में एज अ चीफ गेस्ट यहाँ पर आए हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और आज यहाँ पर ओपनिंग हुई है, तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जो ये यूरोकिड्स का जो कॉन्सेप्ट है और जो प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट है, वो अभी कुछ टाइम हो गया इंडिया में आए हुए, तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक बच्चे जो हैं पेरेंट्स के पास रहते हैं तब तक उनको एक्सपोजर नहीं मिलता है। और एक स्कूलिंग सिस्टम में एंटर करने से पहले जो एक्सपोजर है, जो एक सोशल स्किल्स जो बच्चा डेवलप करता है, मतलब इस एनवायरनमेंट में अपने साथ के अपनी एज के बच्चों के साथ रह के, वो एनवायरनमेंट आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है वो बड़े अच्छे से वो कॉन्सेप्ट उसको आइडिया को प्रोवाइड करते हैं। प्लस क्या है कि जो under 5 जो एज होती है वो फॉर्मिंग एज होते हैं बच्चे के, जो उनकी मेन आइडियोलॉजीज़ होती हैं, जो उनका कैरेक्टर बिल्डिंग होती है वो इसी एज में होता है। तो मेरी इनसे एक्सपेक्टेशन भी यही है कि ये इस चीज़ से बड़ा ध्यान देंगे, कैरेक्टर बिल्डिंग पे बच्चों के बड़ा इंपॉर्टेंटली ध्यान देंगे। और सर, अभी जैसे अभी जो ये कॉन्सेप्ट है स्कूल्स का, प्ले वे स्कूल्स का ले लीजिए आप, या अभी जिस हिसाब से ये स्कूल आज ओपन हुआ है, पहले जब हम लोग पढ़े थे उस टाइम ये नहीं था। मेरे ख्याल से आप भी जिस टाइम पढ़े थे उस टाइम ये कॉन्सेप्ट नहीं था। तो मैंने आपको सुना भी जैसे है कि आपको भी यहाँ पे एडमिशन चाहिए, आपने मजाक किया था यहाँ पे। तो सर, पहले और अब जो ये चेंजेस आए हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर इसमें पर्सपेक्टिव आप देखें तो पहले जो बच्चों की साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करने का जो आइडिया था वो इतना प्रेवलेंट नहीं था। अभी अगर आप देखेंगे जो बीएड स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनके जो करिकुलम्स हैं, उनमें भी जो छोटे बच्चे हैं उनकी साइकोलॉजी क्या है, हाउ डू दे लर्न,
वो एक क्लासरूम के एनवायरनमेंट में या एक बड़े स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में दे कैन नॉट लर्न. जो प्ले वे का आइडिया है कि किड्स लर्न बाय यू नो लर्न वाइल प्लेइंग, मतलब खेलते खेलते ही चीज़ें उनको जो सिखाया जाए हंसी मजाक में और यू नो एक दूसरे के साथ घुल मिल के, वो जो सिखाया जाए वो जो आइडिया है वो मतलब बड़ा वंडरफुल आइडिया है. तो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. दर्शकों आपको बताऊं कि अगर यूरो किड की बात की जाए तो ये पहले इसकी जो जगह थी वो कहीं और थी, लेकिन अभी जो है रतन ज्वेलर मोती बाज़ार वाले जो हैं उन्होंने कोलैबोरेट किया है यूरो किड के साथ. तो अब नई स्पेसिस जगह जो मांडव हॉस्पिटल है उसके अपोजिट यहाँ पर ओपन हुआ है. अभी मेन एडमिनिस्ट्रेशन मल्लिका मल्होत्रा जी हमारे साथ है. मैम सबसे पहले आपका स्वागत है. थैंक यू. और बताइए आप यूरो किड के बारे में जो अभी आज ओपनिंग हुई है. हमें मतलब हम रतन ज्वेलर्स मोती बाज़ार वी हैव कोलैबोरेटेड विद द यूरो किड्स फैमिली एंड वी नाउ रनिंग इन जेल रोड मंडी ऑपोजिट मांडव हॉस्पिटल. तो हम लाइक अब एक प्रॉपर प्री स्कूल है. इट्स द फर्स्ट प्री स्कूल इन मंडी विच इज़ प्रोवाइडिंग एवरीथिंग विद इंफ्रास्ट्रक्चर विद फैकल्टी विद हम चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर ध्यान रख के टीचर्स को अपॉइंट कर रहे हैं. इवन The dealing with children will be done. जैसे हमारे आज जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने भी बताया कि चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है. बिकॉज वॉट इफ चाइल्डहुड ट्रामा इज़ नॉट ट्रीटेड दैट ट्रामा कैरीज फॉरवर्ड एंड वेन द इन टू एडल्टहुड एंड उस टाइम आज आप सब जानते हैं मेंटल प्रॉब्लम्स कितनी ज़्यादा हो रही हैं. तो एक प्री स्कूल की सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है क्योंकि जो प्री स्कूल है दैट केटर्स टू माइंड बॉडी एंड सोल ऑफ द चाइल्ड. तो फॉर द व्यूअर्स कम लुक एट द कैंपस. मंडी वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है नए ग्रोथ स्कूल के लेवल. प्री स्कूल के लेवल को हम एक और लेवल मिला है. तो आप अपने बच्चों को इनरोल करने से पहले ज़रूर विज़िट करें. आपको बताऊं इस वक्त आप देखेंगे मेरे चारों तरफ यूरो किड स्कूल का स्टाफ जो है स्टाफ मेंबर जो खड़े हैं और आप सभी सबसे पहले तो सुंदर बहुत लग रहे हैं. आज ओपनिंग हुई है और इस वक्त गरिमा मैम है हमारे साथ और भी टीचर्स हैं. तो मैम सबसे पहले आप ये बताइए कि हम बच्चों को भी हमने देखा है तो बच्चे इतने शैतान हैं आजकल के कि उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है. तो आप लोग कैसे टैकल करते हैं? तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू से दैट कि मेरी खुद की डॉटर है, शी इज़ 3 ईयर्स. तो हम घर पे जब उसको देखते हैं शी इज़ टू नॉटी, शी डजंट सिट, वो बैठती नहीं एक जगह पे. बट व्हेन यू कम टू अ स्कूल यू नो व्हाट द डिफरेंस इज, द टीचर्स दे आर सो लविंग एंड दे आर सो पोलाइट. यू नो हमारी प्यारा प्यारा स्टाफ है आप देख रहे हो तो इतना प्यार से वो बच्चों को रखते हैं. 2-3 डेज थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आप सबको पता होगा प्री स्कूल का. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट 2-3 डेज. सब लगता है अरे हेडेक हो रहा है, घर जाके सोना है बस, है ना. बट वो एक जब प्यार निकल के आता है ना, बिकॉज सबने प्रोफेशनल डिग्री की है सबसे पहले, तो उस डिग्री में क्या बताया जाता है वो कोई आपको बेसिक वैसा नहीं बताएंगे कि पढ़ाई. इट्स नॉट अबाउट स्टडीज, इट्स अबाउट बिल्डिंग चाइल्ड के अंदर वो जो डर है, एक यू नो जो एक पेरेंट्स से सेपरेशन एंग्जाइटी होती है, वो डर होता है बच्चों को, तो वो बताया जाता है वहाँ पे उन प्रोफेशनल डिग्रीज में, वो बताया जाता है बेसिकली. तो वो सब टीचर्स में वो क्वालिटी है. तो विद इन अ पैसेज ऑफ टाइम, विद इन 2-3 डेज, विद इन अ वीक, वो सब सेटल डाउन कर लेते हैं. सो दैट इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ अ टीचर. ओके, वो टीचर ही कर सकती है क्योंकि घर पे एज अ पेरेंट मैं अपनी बेटी को आई कैन नॉट मेक अर सिट एट वन प्लेस. बट दैट्स द मैंने वही बताया, टीचर की ही वो काबिलियत है कि वो बच्चे को एक जगह बिठा के रखता है. बिल्कुल. कैसे बिठाते हैं? दैट टीचर नोज इट, शी इज़ वेरी स्मार्ट एनफ टू यू नो टैकल. सो दैट्स इट. आपको बताऊँ इस वक्त हमारे साथ आर्किटेक्ट हरप्रीत मैम है और जितना आपने स्कूल का डिज़ाइन देखा है डिज़ाइन पूरा मैम ने किया है. मैम आपका स्वागत है सबसे पहले और एक्सपीरियंस बताइए आप यूरो किड का जो कैंपस है आपने रेडी किया है, आपने डिज़ाइन किया है, क्या कहेंगे? डिज़ाइन करने में 2 मंथ्स लगे, मतलब पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट करने में 2 मंथ्स लगे हैं. ये पूरी बिल्डिंग का डिज़ाइन मैं ही कर रही हूँ, ऊपर अभी ये कंप्लीट किया है. इसके बाद मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट इसी बिल्डिंग पे अपर फ्लोर है, उसमें मैं जिम का इंटीरियर करूँगी. और बाकी इससे पहले आपने कोई और यहाँ पे कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं अभी तक? जो मैंने और प्रोजेक्ट्स किए हैं, मैंने IIT कमान का काम किया हुआ है, मन्नत हॉस्पिटल का काम किया हुआ है. वो मेरा किसी के साथ टाई अप था, मैंने उनके साथ किया. वैसे मैं फ्रीलांसिंग में काम करती हूँ तो फ्रीलांस में मेरा बद्दी में काम चल रहा है और मेरा यहाँ पे ये फ्रीलांस में पहला प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट जो था वो पहला प्रोजेक्ट है.
फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।